श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। देखिए, संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग हमें इस संसार में फंसाता है। हम प्रवृत्त होते हैं कमाने के लिए, इंजॉय करने के लिए, सुख बटोरने के लिए। हम प्रवृत्त होते हैं अपने बच्चों को, अपने शरीर के संबंधियों को सुखी रखने के लिए। हम प्रवृत्त होते हैं धन संपदा को जोड़ने के लिए। ये प्रवृत्ति मार्ग है जो बारंबार हमें इसी भौतिक जगत में आसक्त करके रखता है और उस आसक्ति के परिणाम स्वरूप हमें बारंबार ये जगत मिलता है जो अनेक अनेक कष्टों से परिपूर्ण है। और दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग है जहां पर व्यक्ति समझ जाता है कि ये सब कुछ बंधन का कारण है। ये बाल बच्चों में आसक्ति, ये नौकरी में आसक्ति, ये धन संपदा भूमि में आसक्ति, ये सब बंधन है। कुछ भी मेरा नहीं है, मैं अपने पैदाइश के समय कुछ भी लेकर पैदा नहीं हुआ, फिर भी इसके लिए रो रहा हूं। ठीक है ना, ये जो है, ये जब कोई व्यक्ति समझ जाता है तो छुटकारा पाना चाहता है। वो ऐसी राह पर जाना चाहता है जहां पर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो। ये कठिनाइयों से भरपूर, कष्टों से भरपूर, दिखने वाला आनंद जो सिर्फ दिखता आनंद है पर होता कष्ट है, ऐसा प्राप्त ना हो, वो है निवृत्ति का मार्ग। तो जो लोग भगवान की राह पर चलते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, वो निवृत्ति मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी हैं उन्हें यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। संसार में नहीं फंसना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, पर वो संसार में फंसते हैं। संसार से छूटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह मिला है और ये मौका है कि हम संसारिक बंधन को त्याग करके भगवत प्रेम में आ सकें, भगवत प्रेम को अपना सकें और भगवत प्रेम हमारे जीवन में आगमन करे। ये हमारा कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते, और यही निवृत्ति का मार्ग है। तो वो जानते नहीं, वो ऐसा करते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, और कोई बताए तो विश्वास भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर आसुरिक गुण है। आगे भगवान कहते हैं कि उनमें ना तो पवित्रता होती है। पवित्रता तन की होनी चाहिए और मन की। नहा लें आप 10 तरह के बॉडी लोशन से, तो तन की पवित्रता अगर हो भी गई तो भी नहीं हुई। ना जाने कितने प्रकार की चर्बी वगैरह मिली रहती है इन सारे नहाने के साबुनों में। आजकल कोई भी चीज शुद्धता से बनाता ही कौन है, और जितनी महंगी होगी और बाहर की होगी इंसान उसकी तरफ भागता जाता है। तो वो सोचता भी नहीं कि पता नहीं इसके बनाने में क्या क्या लगा हो, इसके अंदर मटेरियल क्या है, पदार्थ क्या है। तो नहा कर भी नहीं नहाए, और दूसरा नहा भी लिए तो मन तो साफ है नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ मुड़ा हुआ मन है नहीं। कहां मुड़ा हुआ है? संसार की तरफ। तो ऐसा मन कीचड़ युक्त रहेगा, मलिन रहेगा। तो पवित्रता है नहीं, उचित आचरण भी नहीं है उनमें। वो नहीं जानते भक्तों के साथ कैसा व्यवहार हो, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार हो। उन्हें तो बस भोग करना है और स्वच्छंद भोग करना है, और साथ ही सत्य का भी उनमें अभाव है। परम सत्य भगवान को जो नहीं पकड़ती, वो असत्य की दुनिया में रहते हैं। तो एक असत्य की दुनिया इसलिए, और दूसरे इसलिए कि मुनाफा कमाना है, पैसा अंधाधुंध कमाना है, बटोरना ही बटोरना है। उसके लिए क्या है? झूठ का सहारा लेना है, गलत चीजों का सहारा लेना है। तो असत्य के मार्ग पर वो हमेशा चलते हैं जिनके अंदर आसुरी स्वभाव है।